फिल्म दंगल का गाना हानिकारक बापू मुंबई के एक प्रीव्यू थिएटर में रिलीज किया गया। इस मौके पर अभिनेता आमिर खान फिल्म में अपनी दोनों छोटी बेटियों के साथ नजर आए, साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान आमिर खान ने अपने बचपन की यादें शेयर की। हाँ, मेरे पापा के साथ मुझे हमेशा ऐसा फील होता था। अब्बाजान, हाँ, अब्बाजान वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद अस, वेरी स्ट्रिक्ट। आई मीन ही वाज वेरी लविंग आल्सो, बट उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, तो हम बच्चे हमेशा बहुत डरते थे उनसे। तो एक्चुअली ये गाना हमारे हम चारों बच्चों पर परफेक्ट सूट होता है, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती थी घर की नितेश जी, तो हम लोग ऐसे चूहों की तरह भागते ना बिल में, तो पापा अब्बाजान आ गए, अब्बाजान आ गए, हम लोग छुप जाते थे कमरे में। तो वी वर वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम एंड बट ही वाज वेरी लविंग आल्सो, बट वी यूज्ड टू फील कि ये खलनायक टाइप के हैं। आमिर खान कितने हानिकारक हैं, इसके बारे में भी इन दोनों बच्चों ने हमें बताया। एज वो अपने रोल में थे हानिकारक बापू, बट बिहाइंड द सीन्स ही वाज जस्ट अपोजिट टू दैट, सो ही वाज वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिंग, एंड किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा दैट ही इज यू नो लाइक वेरी रूड और एक्टिंग एज एन एक्टर। So he was very nice to everyone on the crew, everyone. Not even a single person would feel, you know, like isolated or anything. But he was very nice to everyone, and he's very encouraging. I say. And even if he's hanikarak, there's a reason to it. reason kya tha wo? नहीं, मतलब मैं off screen भी अच्छी acting करता हूँ। वेल, क्रिसमस के मौके पर फिल्म दंगल रिलीज होने वाली है। देखना ये बेहद खास होगा कि किस तरीके से आमिर खान की इस फिल्म को दर्शक पसंद करेंगे।